बताया गया है। भाई साहब जैसे जिस तरह से ये गोलीकांड हुआ है तो उसको लेकर क्या कहना आप लोगों का? भाई जिस तरीके से बात है ये खुलेआम ये साजिश है, कुछ लोगों की मिली हुई साजिश है। अभी वो भी हम नाम मुझे मालूम है साजिश करता कौन कौन है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी साजिश के तहत जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जब भी घर से पुलिस उठा के कभी हीरोइन ले गई, कब किसी नेता से टकराव हुआ तो कभी न किसी का 302 किया कि इन्होंने, न किसी घर से उठा के कभी गांजा बेचवाया गया, कभी हीरोइन बेचवाया गया, यही इनका केस था। और ये इतना बड़ा कोई केस नहीं था, एक इनके राइफल लाइसेंस जो है रिन्यूअल में वकील को कचहरी का दिया गया, कचहरी के वकील ने फ्रॉड करके रिन्यूअल कराया। उस केस को इतना बड़ा बाउंडर बनाया गया, और जिस मुख्तार से 2004 के बाद जो है कोई मुलाकात नहीं, उस मुख्तार के साथ इनको जबरदस्ती जोड़कर मेरा घर तोड़ा गया, गिरफ्तार हुआ मेरा भाई वर्दी में बावर्दी पुलिस में जो है वो गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जो है मेरे ऊपर 3 केस किया गया बनारस प्रशासन ने, जो मैं रेलवे से मैं रिटायर आदमी हूँ, आज तक कभी 107-16 नहीं हुआ, कभी कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं रहा। क्या नाम है आपका, नाम क्या भैया? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और ये जानबूझ के वहाँ से ट्रांसफर करा के चित्रकूट किया गया, ये साजिश करके कि इस तरीके से इनको मरवाना है। ठीक।